आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी के कोफ्ते। चलो हम शुरू करते हैं। आप स्टार्ट। सबसे पहले डालेंगे हम चौके हुआ प्याज, मैंने पहले से एक चौके हुआ है उसको डालेंगे। प्याज को चौकने के बाद हम डालेंगे अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च आधा पाव, आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का, एक चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच जीरा पाउडर पिसा हुआ और थोड़ी सी पिसी हुई मेथी। इसमें डालेंगे हम अब नमक, नमक नमक के दो चम्मच डाल दिए। उसके बाद थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे इसमें और टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक। अब डालेंगे थोड़ी सी एक चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम अब डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अब बेसन। ये हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है कोफ्ते बनाने के लिए। हमने इसमें गोभी एक फूल लिया था बड़ा वाला फूल एक किलो और इसको हमने चॉप किया है चॉपर की सहायता से। चलो अब करते हैं हम कोफ्ते बनाना क्योंकि हमारा तेल गर्म हो चुका है आप देख सकते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं कोफ्ते बनाना। हम इसमें छोटे छोटे बाउल बनाएंगे कोफ्ते और इसको ऐसे डालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पकौड़े तल के तैयार हो गए हैं और ये बाकी चल रहे हैं अभी। ये हमने प्याज काट के रख लिया है। इसमें प्याज के हमने ले लू लिए थे इसमें तीन और लहसुन की गोलियाँ डाली हैं चार या पांच गोलियाँ इसमें। और उसके बाद हम ये टमाटर तीन टमाटर बड़े डाले हैं और साथ में इसमें अदरक काटा हुआ डाला है। तो हमने गैस ऑन कर दी है और पैन ले लिया है, पैन गैस ऊपर रख दिया हमने और इसमें हम रिफाइन डालेंगे थोड़ा सा। इसमें हमने ऑयल एक कच्ची डाली है ये ऑयल कच्ची। अब इसमें हम ये जो प्याज है लहसुन इसको डालेंगे काटे हुए को। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको अच्छे से मिला के पका लेंगे। ये हमारा प्याज टमाटर पक चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे ग्रेवी के अनुसार। अब हम तेल को गर्म होने देंगे और ये हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है देख सकते हैं आप। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ग्रेवी डालेंगे एक अच्छी।
रही हूँ। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसमें हम अब सारी ग्रेवी डालेंगे जो है इसमें है। अब इसमें ढक्कन लगाएंगे हम। तो हम गैस को फुल कर देंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से भूनेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ग्रेवी पकी है या अभी नहीं। तब हम ग्रेवी को देखेंगे, ग्रेवी ऐसे लगी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये ग्रेवी का पानी उबल चुका है, इसमें हम पकौड़े डालेंगे। इसमें हम पकौड़े डाल रहे हैं। हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपको हमारी कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगेगी, अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमारी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।